रुकिए रुकिए, कहाँ पर दारू बिकता है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए बिकती है, बिक्री होता है वो सीतारामपुर भुंटोली है, वहाँ पर सीतारामपुर भुंटोली में। हाँ चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लप लप लप, आइए आइए। बताया जा रहा है कि इधर कहीं पर शराब छुपा कर रखा गया है। गांव के कुछ लोग, थाना प्रभारी, फोर्स जो है, कहाँ पे? अरे शराब कहीं पे बताइए, शराब ये सब का नहीं माना जाएगा, शराब बताइए कि कहाँ पे रखा हुआ है। के थाना प्रभारी हैं, फतेहपुर के थाना प्रभारी शामसुंदर पासवान शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कूद चुके हैं। 10 फीट जो है वो लगभग जो 7 से 8 फीट है वो नीचे जाकर वहाँ देखिए किस तरह से जांच कर रहे हैं। ये शराबबंदी का सफल प्रयास, प्रशासन और मीडिया एक साथ, माइक दीजिए थोड़ा इधर दिखाइए, आ जाइए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जंगल और झाड़ में घुसकर यहाँ पे कहाँ पे है, कहीं मिला कुछ क्या? इधर क्या है जी, क्या है लग रहा है क्या? ना 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 नहीं, ये पानी है, पानी रखा हुआ। आप साथ में रहेंगे, कैमरा मैन इधर आएंगे, थोड़ा आप अंदर आइए, इधर देखिए कहीं पे, इधर उधर देखिए, अरे अंदर आओ ना, तुम दिखाओ ना उधर। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार सर्च किया जा रहा है कि कहीं पे शराब की कोई बड़ी खेप तो छुपा कर नहीं रखी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर। जैसा कि अभी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पे फतेहपुर थाना क्षेत्र के रातो खुर्द गाँव में जो है वो शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है, और सूचना मुझे भी मिली थी और सूचना प्रशासन को भी मिली है। रात में एकदम आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है और प्रशासन भी पहुंच गई है छापेमारी करने, और हम भी जो हैं साथ में जा रहे हैं, अगर देखते हैं कि शराब की बरामदगी होती है कि नहीं। प्रशासन आज पहली बार ऐसा होगा फतेहपुर में कि प्रशासन और मीडिया एक साथ छापेमारी के लिए पहुँच रही है जहाँ शराब बेचा जाता है। बिहार में लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी का सफल प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि शराब की बरामदगी होती है कि नहीं, आगे आगे प्रशासन चल रहा है और पीछे पीछे हम लोग हैं, देखते हैं आखिर शराब की बरामदगी होती है कि नहीं। चलिए, इसी गाँव में जो है ऐसा सूचना मिला है कि यहाँ पे बेचना है, हाँ सब काम नहीं करना है, ठीक है, फायदा है। हाँ इसीलिए कोची मिलते हैं, हाँ इसीलिए आए, वो सब शराब के धंधा कम करिए, खेती गृहस्थी करिए, सब्जी बेचिए, और भी कमाने का बहुत तरीका है। हाँ वो सब करिए, लेकिन शराब मत बेचिए, बेचिएगा तो हम लोग आएंगे पकड़ के जेल भेज देंगे। हाँ तो क्या फायदा, हाँ इसीलिए मत बेचिएगा शराब। बुढ़ाड़ी में जेल जाइएगा तो ठीक लगेगा ना, ठीक लगता थी कि नुकसान है, हम तो आराम करवे करवे, तो सूचना तो आराम करिएगा जेल में, तब बेटा भतान के परेशान होते, तेरा बनी हम नहीं बने, कौन फायदा है जो हमारा भगवान देने से दूध को कमा। नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो, महिला ही मांग करती थी कि शराबबंदी हो बिहार में, और आप ही लोग शराब बेचेगा तो कैसे होगा? काहे हम बेचवे बनेबे, नहीं ना होगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर जेल चल जाइएगा। देखिए लगातार पुलिस सब आपके यहाँ छापेमारी आएगा, ई गाँव में आके करेगा, कर देता बढ़िया की बात है, लेन देन है कुछ नहीं, हम हमारा भर पेट भोजन मिले चाहिए। इधर ये गांव है रातो खुर्द, फतेहपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में रातो खुर्द गांव है, और सूचना मिली थी कि यहां पे जो है वो शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जाती है। हालांकि प्रशासन पहुंची हुई है लेकिन शराब की बरामदगी नहीं हो पाई है, प्रशासन के द्वारा जो है वो समझाया जा रहा है कि आप लोग शराब मत बेचिए, सरकार का यह मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो, अगर आप लोग शराब बेचेंगे तो आप लोग को जेल भेजा जाएगा। प्रशासन जो है वो लगातार समझा रही है, यहाँ पे कुछ महिला भी हैं और कुछ लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार अंचल यादव। पढ़ाई लिखाई करते हैं? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ आगे आ जाओ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th पास है। सूचना मिली है कि यहाँ शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है, सही बात है क्या? बात सही है, मगर फिलहाल हम घर पे नहीं थे, अच्छा आज ही घर पे आए हम। मतलब यहाँ शराब बिकता है? हाँ हाँ बिकता है। बता सकते हैं कौन कौन घर में शराब बनता है? ये नहीं बता सकते कहाँ बनता है, मगर उधर शराब बनता है, वो टोला है रामपुर करके। अच्छा प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, आपको लगता है कि प्रशासन शराबबंदी में सफल? थाना प्रभारी जैसे शामसुंदर पासवान है, ये हमारा थाना का रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रशासन और बहुत अच्छे दरोगा है। चलिए बहुत अच्छा, पहला ऐसा कोई युवा मिला है जो थाना प्रभारी का जो है बड़ाई भी कर रहा है, शराबबंदी को सफल बनाना है। और मुख्यमंत्री जी हाल ही ने पटना में जो है मीडिया के सामने हाथ जोड़कर बोले थे कि शराबबंदी में आप लोग जो है वो योगदान दीजिए, और हम लोग भी योगदान दे रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में सफल प्रयास इधर आ जाइए, कि थाना प्रभारी के द्वारा जो है समझाया बुझाया जा रहा है। बाल बच्चा पढ़ेगा ना, वही बता रहे, कमा के खाना पर बढ़िया से नींद भी आता है,
टेंशन भी नहीं रहता है, डर भी नहीं रहता है कि हमारा पुलिस आएगा, इसलिए शराब नहीं बेचना है। शराब बेचने के लिए बाल बचना पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह बात बोली, अगर हम नाशा रहेगा, हम नाशा हो जाएगा तो बाल बच्चे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसीलिए ये सब काम नहीं करना है। अगर मिलेगा तो हम लोग तो पकड़ के आएंगे, जेल भेज देंगे, जेल चल जाएगा। उससे बढ़िया है कि हम लोग काम नहीं करें। खत्म हो गया। देखा जा रहा है कि कहीं पे शराब तो नहीं छुपा कर रखा गया है। कहाँ गए और फोर्स लोग, कहाँ गए? इधर आ जाइए कोई। अरे यार तो, अरे आप लोग हटिए ना, आप लोग क्यों आ रहे अंदर? ये ऐसा सूचना मिला है, इधर आ जाइए। इधर क्या है जी? क्या है, लग रहा है क्या? ना ना ना, नहीं ये पानी है, पानी रखा हुआ। आप साथ में रहेंगे, कैमरा मैन इधर आएंगे, थोड़ा आप अंदर आइए। इधर देखिए कहीं पे, इधर उधर देखिए। अरे अंदर आओ ना, तुम दिखाओ ना उधर। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार सर्च किया जा रहा है कि कहीं पे शराब की कोई बड़ी खेप तो छुपा कर नहीं रखी गई है। हालांकि अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। इधर घर है, कुछ बच्चे अंदर हैं, पढ़ रहे हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। देखिए एक बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? सजान। इधर घूम के बैठो, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पढ़ाई कर रहे हो? क्या नाम हुआ? रितेश। तुम्हारे यहाँ शराब कौन बेचता है? कोई नहीं। सुनने में आया है कि तुम्हारे बाबा के कौन बेचते हैं? कोई नहीं बेचते यहाँ शराब, कोई नहीं बेचता है। मम्मी पापा, तुम पढ़ते हो? ठीक है, मन लगा के पढ़ो। देखिए ये बच्चा कोना में बैठ के बेचारा पढ़ाई कर रहा था, गरीब का बच्चा है, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगा? आ जाइए इधर, बाहर आ जाइए आप। चलिए आगे, वहाँ प्रशासन पहुँच गया है। अब इधर देखना है कि इधर क्या हो रहा है। कौन क्या बोल रहा है? सवेरे में दूध वो घर से दारू बिक्री कर रहा था। हम उस रोड में हम हर जोत रहे थे तो एक हमको सुना करके ट्रिक मार रहा था कि पुलिस आएगा तो हमको मारेगा। अब शब्द का प्रयोग मत कीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे सर? क्या बोला है? लेकिन जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से हम क्यों नहीं बोलेंगे सर? अब अभी 4 बजे तक दारू, 5 अभी तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो छापेमारी कर रही है, तो कहीं पे यहाँ है नहीं, सब हटा दिया। उधर की उधर चल गए तो इधर से हटा दिया गया माल, जा करके लाइन के ऊपर जा करके खजूर में देखिए माल, समय माल। हमको बेटी बहू पढ़ करके स्कूल से बेटी और भतीजी आ रहा था। क्या आप कहाँ पे बोल रहे हैं आप? हम यहाँ पे बोले खजूर के पीछे रेल लाइन का ऊपर में। चलिए तो अभी थाना प्रभारी साथ में जा रहे हैं, चलिए देख लिया जाता है कि क्या सच में एक व्यक्ति यहाँ पे है जो बता रहे हैं खजूर के पीछे शराब छुपा कर रखा गया है। थाना प्रभारी ने उसको चैलेंज के रूप में लिया है कि चलिए आप दिखाइए चल के हमको, हम उसको बरामद भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में उस जगह पे जो है वो शराब छुपा कर रखा गया है। बिहार में शराबबंदी को सफल प्रयास दिलाने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रही है और छापेमारी के लिए प्रशासन लगातार रात में, दिन में, हर समय जो है वो गाँव में जाकर छापेमारी करती है। बताया जा रहा है कि इधर कहीं पर शराब छुपा कर रखा गया है। गांव के कुछ लोग, थाना प्रभारी, फोर्स जो है, कहाँ पे? अरे शराब कहीं पे बताइए, शराब ये सब का नहीं माना जाएगा, शराब बताइए कि कहाँ पे रखा हुआ है। कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा आ जाएंगे आप। के थाना प्रभारी हैं, फतेहपुर के थाना प्रभारी शाम सुंदर पासवान शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कूद चुके हैं। 10 फीट जो है वो लगभग जो 7 से 8 फीट है वो नीचे जाकर वहां देखिए किस तरह से जांच कर रहे हैं झाड़े में घुसकर। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, देखिए इधर दिखाइए, इधर दिखाइए भैया, देखिए किस तरह से जंगल में घुसकर जो है वो शराब चेक किया जा रहा है। इस तरह से देख सकते हैं कि शराब जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं पे है तो नहीं शराब। इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आखिर देखा जाए अंदर घुसकर जो है झाड़ी में जा सकते हो क्या तुम? ये शराबबंदी का सफल प्रयास प्रशासन और मीडिया एक साथ, माइक दीजिए थोड़ा इधर दिखाइए, आ जाइए, आ जाइए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जंगल और झाड़ में घुसकर यहाँ पे कहाँ पे है, कहीं मिला कुछ क्या? नहीं 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 नहीं, चलिए ये गलत अफवाह फैलाया गया है, प्रशासन भी परेशान है।
मीडिया भी परेशान है और गांव के कुछ लोग भी परेशान। चलिए यहाँ, अच्छा ये देखिए यहाँ से फोर लाइन बनाया गया है। चलिए ये फोर लाइन बनाया गया है, ये तो प्रमाणित करता है। मुझे तो डर भी लग रहा है भाई, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कि हम तो शराब वराब पीते नहीं हैं तो इस पर चढ़ने का एक्सपीरियंस है नहीं। ये आ जाइए आ जाइए, ये फोर लाइन बनाया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होता है उधर। चलिए इस बार वार्निंग दे दिया गया है, वार्निंग सबको मिल गया है, अगला बार से डायरेक्ट छापेमारी और डायरेक्ट गिरफ्तारी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार सर। अभी आपके गांव में जो है प्रशासन आकर एकदम चप्पा चप्पा छान मार रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हकीकत में यहाँ दारू से पीने आया था शाम के। तो प्रशासन तो आज जांच करने आई है। यस सर। क्या लगता है कि प्रशासन शराबबंदी को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है? हाँ सर। या नहीं कर रही है? कर रहे हैं। कर रही है ना। चलिए, नहीं मिला, कौन आ गया है यार? आ गया शराब नहीं ना पीते हो? नहीं सर भैया। ठीक है सर, चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, शराब नहीं पीना है, हमारे देश के युवा देश को विकास में जो है अपना योगदान देंगे। चलिए आ जाइए सर, अभी आप यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं, शराबबंदी को सफल प्रयास दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या सूचना मिला था यहाँ? सूचना गाँव वाले कुछ बोले थे कि यहाँ पर ही मतलब शाम के बाद बाली आदमी लोग आते हैं और कुछ शराब का पहले यहाँ से जो कुछ लोग बिक्री करते हैं। सूचना के आधार पर हम लोग आए लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिला और हम लोग भी घर घर जाकर हिदायत कर दिए हैं कि इस तरह का काम मत करिए। अच्छा, गांव वालों की तरफ से सूचना मिला था, क्या आपको पहले से नहीं पता था कि यहाँ पर शराब की बिक्री होती है चाहे और कुछ? नहीं नहीं, पहले से भी हम लोग छापेमारी कहाँ जहाँ जहाँ किए हैं और बहुत सारे शराब पकड़े हैं, यहाँ की सूचना नहीं था, गाँव वाला सूचना दिया तो हम लोग आए हैं। अच्छा, अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है? नहीं, बरामद नहीं। क्या लगता है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास आप लोग का जारी रहेगा? हाँ, प्रयास तो करेंगे, जारी रहेगा। अच्छा, इस गांव में अभी तक कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई? नहीं, गांव वाले को आप समझा रहे हैं कि शराब की बिक्री नहीं करना है? भी सभी गांव वाले बोला कि हम लोग शराब नहीं बेचते हैं, बोला सब। हाँ, सब बोला। क्या लगता है कि यहाँ पे जो अगर शराब पहले से बिकता भी होगा तो अब बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और अगर बेचेगा तो हम लोग सूचना के आधार पर आएंगे, पकड़ के उसको ले जाएंगे, जेल भेजेंगे। चलिए, गांव वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? गांव वाला तो अच्छा है, अगर इस तरह से प्रत्येक गांव वाला अगर सहयोग करेंगे तो हमको नहीं लगता है किसी गांव में कोई शराब बेच पाएगा। मैंने गांव वाले अगर सहयोग करेंगे तभी पूर्ण रूप से शराबबंदी हो पाएगी। हाँ, उनका सहयोग जरूरी है, हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, हम लोग छापेमारी कर ही रहे हैं, पकड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें अगर सपोर्टर गांव वाला मिलता है तो उसमें रिजल्ट बहुत पहले। परिचय दीजिए अपना। हम श्याम सुंदर पासवान है, फतेहपुर थाना प्रभारी। फतेहपुर थाना प्रभारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मगध की बुलंदबाज और मैं हूं उमर राठौर। लगातार जो है वो शराबबंदी को सफल करने के लिए, सफल करवाने के लिए जो है प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर जाकर जो है छापेमारी कर रही है। हाल ही में पटना में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी आग्रह किया था कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। और यहाँ पे कुछ गांव के लोग भी हैं, ये भी शराबबंदी के समर्थन में उतर गए हैं कि नहीं, पूर्ण रूप से जो है वो शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग शराब पीता है समाज में उसको लेकर गलत दुष्प्रभाव फैलता है। अगर जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर आता है तो घर में भी जो है वो काफ़ी अशांति का माहौल बन जाता है। तो यहाँ के गाँव के लोग कुछ सक्रिय थे तो थाना प्रभारी को आवेदन देकर अवगत कराया कि आके यहाँ छापेमारी कीजिए। थाना प्रभारी भी आकर छापेमारी कर रहे हैं लेकिन शराब की बरामदगी नहीं हो पाई। और लगातार मैं भी सारे मीडिया बंधु से आग्रह करूँगा कि इस तरह का कार्य में प्रशासन का सहयोग करें ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।